चंडीगढ़ में यातायात नियमों के पालन के प्रति लोगों में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 18 जनवरी से शुरू हुआ यह अभियान एक माह का है जो 17 फरवरी तक चलेगा। इसके पहले के सालों में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, वही इस साल इसकी अवधि में बढ़ोतरी की गई है ताकि जनमानस में यातायात नियमों के प्रति ज्यादा सजगता आ सके। इसी क्रम में चंडीगढ़ यातायात पुलिस द्वारा आज समाज सेवी संस्था ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से सेक्टर 22 अरोमा होटल के चौक पर यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील के लिए बच्चों ने चौक के चारों तरफ बड़े बड़े बैनर पकड़े हुए थे, जिनके जरिए लोगों को यातायात नियमों की पालना करने की हिदायतें दी जा रही थी। महिलाओं के लिए खासतौर पर ओंकार ट्रस्ट की ओर से गिफ्ट की व्यवस्था की गई। ये गिफ्ट उन महिलाओं के लिए थे जिन्होंने हेलमेट पहने हुए थे। वही जिन महिलाओं ने हेलमेट नहीं पहने हुए थे उन्हें समझाया गया कि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए कितनी जरूरी है, इसलिए आप हेलमेट जरूर पहने। महिलाओं ने भी अपनी गलती का एहसास किया और कहा कि आगे से हम हेलमेट पहनेंगे। कार्यक्रम के दौरान यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा उपस्थित लोगों और वाहन चालकों को यातायात नियमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई, साथ ही यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की गई। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित डीएसपी ट्रैफिक पलक गोयल ने भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनसंख्या के अनुरूप वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वाहन चालक को यातायात नियमों की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क दुर्घटना हो जाती है, इसलिए हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। डीएसपी ट्रैफिक सेंट्रल पलक गोयल की अगुवाई में आयोजित इस जन जागरूकता कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर गुरजीत कौर, ओमकार चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन रविंदर सिंह और डॉन बॉस्को नवजीवन सोसाइटी के बच्चे भी उपस्थित रहे। मैडम, एक औरत के लिए हेलमेट पहनना कितना जरूरी है? सर मैंने कहा ना, मेरे को मालूम है, बट जल्दी में थी, हो गया ऐसा। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं होगा। एक औरत के लिए हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि घर की नींव भी औरत के हाथ में है, और अगर औरत इस चीज़ के लिए सबसे पहले अवेयर होएगी तो पूरी की पूरी फैमिली अवेयर हो जाएगी। आज आप कहाँ पर अवेयर कर रहे हैं? आज हम चंडीगढ़ पुलिस के तरफ से, ओंकार ट्रस्ट की तरफ से, खास करके लड़कियों महिलाओं को अवेयर कर रहे हैं कि हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, और जो लड़कियाँ लेडीज हेलमेट पहन रहे हैं उनको हम स्पेशली गिफ्ट दे के उनको प्रेज कर रहे हैं। देखो, इस तरह चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस जो 32 नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मना रही है, इसमें ओंकार चैरिटेबल को उन्होंने मौका दिया, और मेरे को बड़ी खुशी है कि हमारी टीम पूरी इस लोगों को अवेयर करने में लगी है। सब खास करके हम उन लेडीज़ और लड़कियों को ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं। हमारा मकसद लेडीज़ और, क्योंकि लेडीज़ ही घर का थंब होती है, आज लेडीज़ हेलमेट पहनेगी तो उसका बच्चा भी पहनेगा, क्योंकि माँ ने ही सिखाना होता है, और अगर लेडीज़ पहनेगी तो उसका घर वाला भी पहनेगा। तो हमारा फोकस इन लेडीज़ के ऊपर है, क्योंकि ये एक लेडीज़ के बिना घर नहीं है, और लेडीज़ को हेलमेट पहनने के लिए हम लोग उनको स्पेशल जागरूक कर रहे हैं, और जिन्होंने पहना उनको भी गिफ्ट दे रहे हैं, जिन्होंने नहीं पहना उनको अवेयर करके स्पेशल गिफ्ट दे रहे हैं। सर, कई लोग देखे गए हैं जेब्रा क्रॉसिंग के आगे आके खड़े होते हैं या रेड क्रॉस जंप करते हैं, उनके लिए हम उनको समझा रहे हैं बेटा कि ये ऐसे काम ना करें, क्योंकि आने वाले समय पे ई चलान शुरू हो गए हैं, तो इसमें जितने आपका एक्टिवा नहीं है उससे ज़्यादा तो आपको चलान भरने पड़ेंगे। इससे बेटर है कि आप अपने रूल को फॉलो करो और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी और चंडीगढ़ स्मार्ट लोग बनो, ताकि चंडीगढ़ को आपके रूलों से ही चंडीगढ़ एक स्मार्ट बनता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.